नमस्कार, टीवी इंडिया के बुलेटिन खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के दिनभर की खबरें। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसान नेताओं ने आज एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर मीडिया के सामने पेश किया। पकड़े गए संदिग्ध ने कहा कि उसे चार किसान नेताओं को मारने के लिए सोनीपत के एक अधिकारी ने कहा था। उसने कथित तौर पर सोनीपत थाने के एक अधिकारी का नाम भी लिया। उसने बताया कि अधिकारी ने उससे कहा था कि 26 जनवरी को यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो चार किसान नेताओं को मार दे। आरोपी के पास से उन चार किसान नेताओं की फोटो भी मिली है। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर करीब 2 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान नेता 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार उनसे अनुरोध कर रही है कि गणतंत्र दिवस पर किसान ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो। पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें और 14 अप्रैल जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को पुलिस उसमें से आधी लोग घर के होंगे, जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है, 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, आई थाने का एसएचओ है वो। राजस्थान के जयपुर में इनकम टैक्स ने एक सराफा कारोबारी के घर छापेमारी की जिसमें 2,500 करोड़ की काली कमाई का पता चला है, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि यह राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा व्यापक छापा है। 5 दिनों तक चली इस छापेमारी में इनकम टैक्स की 50 टीमों के 200 कर्मचारी लगे। खबरों के अनुसार अभी तक 700 करोड़ का खजाना व्यापारी ने तहखाने में छिपा कर रखा था। यह छापे जयपुर शहर के 3 बड़े कारोबारी समूहों सिल्वर आर्ट ग्रुप, चढ़िया ग्रुप और गोकुल कृपा ग्रुप पर की गई। इनकम टैक्स अभी भी प्राप्त दस्तावेजों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इस छापेमारी में और क्या कुछ निकल कर आता है। पीएम मोदी आज असम पहुंचे जहां उन्होंने शिवसागर जिले के जिरंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। बता दें कि असम में 2016 में 5.75 लाख मूल निवासी परिवार भूमिहीन थे। राज्य सरकार ने मई 2016 में 2.28 लाख आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। आज का समारोह इस प्रक्रिया का अगला कदम है। सीएम सोनोवाल ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में असम के लोगों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। जिरंगा पठार का संबंध असम के पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य से है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी सरकार असम की जरूरतों की पहचान करके हर जरूरी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि बीते 6 सालों में असम सहित नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व सुधार हो रहा है, आधुनिक भी हो रहा है। पीएम ने कहा कि असम के हर क्षेत्र की हर जनजाति को साथ लेकर चलने की इसी नीति ने आज असम शांति और प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सराय घाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, इनसे असम की कनेक्टिविटी सशक्त हुई। नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि सुभाष बाबू के अंदर असीम साहस और अनूठी संकल्प शक्ति का अनंत प्रभाव विद्यमान था। उनके अद्भुत व्यक्तित्व और ओजस्वी वाणी ने लोगों के हृदय में स्वतंत्रता का ज्वार उत्पन्न किया था। उनका जीवन देश के युवाओं के लिए एक आदर्श है। युवा उनके करिश्माई नेतृत्व में एकजुट थे जिससे आजादी के लिए भारत के संघर्ष को नई ताकत मिली थी। आज राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और मैं भी मन से, बड़े हृदय से सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि देता हूं। और मोदी जी ने जो फैसला किया है सुभाष बाबू की 125वीं साल को मनाने का,
हम सब उसमें हिस्सेदार बने और विशेषकर बच्चों और युवा पीढ़ी को सुभाष बाबू के जीवन कवन का परिचय कराएं और आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी संक्रांत कर दिया। ममता बनर्जी कोलकाता के श्याम बाजार से रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत की। इस रोड शो में बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी। श्याम बाजार में टीएमसी कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने संक्रांत किया। बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिन में लगभग 12 बजे के करीब हुआ था, इसलिए टीएमसी ने यह कार्यक्रम ठीक 12 बजे रखा। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी नेताओं में सुभाष चंद्र बोस के नाम को लेकर होड़ मची हुई है। चारा घोटाले समेत कई मामलों में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हालत बिगड़ती जा रही है। फिलहाल उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार देर रात लालू परिवार के सदस्यों ने लालू से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। अस्पताल से बाहर आकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव के फेफड़ों में पानी जम गया है और उनका चेहरा फूल गया है। उनकी हालात को देखते हुए उन्हें एम्स में भर्ती कराया जाना चाहिए। डॉक्टरों के बोर्ड से रिपोर्ट मिलते ही जेल प्रशासन लोअर कोर्ट से इसकी स्वीकृति लेगा, जिसके बाद लालू यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। परिवार के लोग तो चाहते हैं बेहतर इलाज हो और जल्द से जल्द जो है सेहत में उनका सुधार हो, लेकिन भारी गिरावट जो है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों को चिंता हो गया था कि कल कहीं निमोनिया है तो कहीं कोरोना है तो नहीं है, लेकिन वो तो टेस्ट रिपोर्ट सारे आ जाएंगे। जब तक एनालाइज नहीं किया जाता, जब तक पूरे टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, अब ये सुनने में आ रहा है कि उनके लंग्स में भी पानी है, तो लंग्स में जब पानी आ जाती है और जब किडनी मात्र जब 25% ही काम कर रहा है और प्लस आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको शुगर की बीमारी है और उम्र जो है वो 70+ है, तो जाहिर सी बात पे हम लोगों की चिंता है। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वह अफगान तालिबान समझौते की समीक्षा करेगा, जिससे यह आकलन किया जा सके कि आतंकी संगठन अफगान शांति समझौते के अनुरूप हिंसा में कमी कर रहा है या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन अपने अफगान समकक्ष हमदुल्ला मोहिब से फोन पर बातचीत के दौरान यह रेखांकित किया है कि अमेरिका एक मजबूत और क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयास के साथ शांति प्रक्रिया का समर्थन करेगा, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों को एक टिकाऊ और उचित राजनीतिक समाधान और स्थायी युद्ध विराम हासिल करने में मदद करना होगा। याद हो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका तालिबान समझौते को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया था। यदि बाइडेन प्रशासन इस समझौते से पीछे हटता है तो दक्षिण एशिया पर इसका व्यापक असर होगा। जो बाइडेन प्रशासन ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सराहना की है। दरअसल भारत ने अपने मित्र राष्ट्रों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के लाखों टीके भेंट स्वरूप भेजे हैं, जिस पर बाइडेन प्रशासन ने कहा कि भारत एक सच्चा मित्र है जो संकट के समय अपने मित्रों की मदद कर रहा है। भारत ने अब तक मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, सेशल समेत कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की है। अमेरिका के विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशिया ब्यूरो ने ट्वीट कर कहा कि अपने पड़ोसी देशों को कोविड 19 के टीके निःशुल्क प्रदान करने के भारत के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। देवेंद्र फडणवीस के खासम खास माने जाने वाले बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। हालांकि प्रसाद लाड ने कहा कि यह मुलाकात व्यक्तिगत है, फिर भी मीडिया के सवालों का जवाब देते वक्त उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार गिराने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई मनपा के चुनाव में राज ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि इससे पहले भी राज ठाकरे और बीजेपी के बीच गठबंधन होने की खबरें आती रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर मनपा चुनाव में उनकी मुलाकात होती है या नहीं। नई मुंबई के शिवसैनिकों ने आज विविध ठिकानों पर रक्तदान शिविर और सामाजिक उपक्रम चलाकर शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे को उनकी 95वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेरुल के कई प्रभागों में रक्तदान शिविर चला, जिसका शुभारंभ शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने किया। पहला कैंप प्रभाग 91 के शिवसेना पदाधिकारी अरुण गुरो और सुजाता गुरो द्वारा सेक्टर 19 के गुरुद्वारा में आयोजित किया गया, जहाँ सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। आयोजक सुजाता अरुण गुरो ने इस रक्तदान शिविर को शिवसेना प्रमुख की जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि बताया।
और डीवाई पाटिल हॉस्पिटल और नागरिकों को सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं जिला प्रमुख विट्ठल मोहन ने रक्तदान शिविर आयोजन के लिए समाज सेवी अरुण गुरो और सुजाता गुरो की सराहना की। हृदय सम्राट सर सेनापति बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्त अनेक वर्षापासून या शहरामध्ये सगळे शिवसैनिक वेगवेगळे उपक्रम राबवतात, प्रामुख्याने आरोग्य विषयक उपक्रम साहेबांच्या शिकवणीप्रमाणे राबवतात। या ठिकाणी मोफत चष्म्यांचं वाटप शेकडो लोकांना करण्यात येत आहे। रक्तदान शिबिर खूप मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केले, अनेक रक्तदाते या ठिकाणी आलेले आहेत। याशिवाय या भागातल्या लोकांना आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांची आरोग्य तपासणी करत नाहीत तर त्यांचं ECG काढणं, BP चेक करणं अशा प्रकारच्या प्राथमिक तपासण्या देखील या ठिकाणी केल्या जातात। हिंदू हृदय सम्राट यांनी जी शिकवण दिली त्या शिकवणीप्रमाणे हे मोठं काम हे सगळी शिवसैनिक या ठिकाणी करतात, त्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो। सारे महाराष्ट्र में पूरे देश में अलग अलग समाजसेवी के प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी का एक भाग करके यहाँ पर हमारे अरुण जी गुरव और उनकी धर्मपत्नी सुजाता जी उनके तरफ से और हमारे सभी शिवसेना के पदाधिकारी और DY पाटिल के यहाँ पर हम नायर मैडम और उनका स्टाफ उनके तरफ से यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। महामारी के कारण सभी हॉस्पिटल में खून की कमी महसूस हो रही थी, ऐसे वक्त में हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव साहब ठाकरे उन्होंने लोगों को ऐलान किया कि आप लोग रक्तदान करिए कि हॉस्पिटल में खून कम है, तो इसका एक भाग करके इसी दिन आज जो बाला साहब की जयंती है उस जयंती के अवसर पर ये रक्तदान शिविर हो रहा है। आज के बुलेटिन बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नई ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।